हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जिसका नाम है JFWCE। झारखंड सरकार द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें जो उर्दू सिलेबस है उसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो बहाली प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उर्दू नोट्स के लिए PDF जो नोट्स है दोस्तों वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे और अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करना है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ऑनलाइन कर लिया होगा और जिन्होंने अभी तक अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो आप सभी को पता होगा कि 1 अगस्त से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था और 31 अगस्त यानी दोस्तों कल तक इसका लास्ट डेट है। तो जिसने भी अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं और जो ख़ास तौर से जो भाषा उर्दू है दोस्तों उसमें जो सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे दोस्तों JTET के बारे में भी बात करेंगे कि JTET में सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और हमें उर्दू की तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं और बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का क्या स्वरूप है, क्या प्रक्रिया है उसे जानते हैं सबसे पहले। तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी दोस्तों इसके लिए सिर्फ मेंस परीक्षा होगा यानी PT परीक्षा नहीं होने वाला है। तो मुख्य जो परीक्षा दोस्तों वो एक ही चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी दोस्तों MCQ टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। एक प्रश्न का पूर्ण अंक यानी 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी दोस्तों एक सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा और गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब जानेंगे दोस्तों जो मुख्य परीक्षा है वो किस प्रकार है। तो मुख्य परीक्षा जो है 3 पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय होंगे, क्या क्या विषय है। तो पत्र 1 है जिसमें दोस्तों आपको भाषा ज्ञान से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। कुल प्रश्न 120 रहेगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछेगा और उसी तरह अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा। और दोस्तों इन दोनों को मिलाकर आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपका जो आगे जो पेपर 2 और पेपर 3 देंगे तो उसका जो है चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 30% भाषा हिंदी और भाषा अंग्रेजी से आपको लेना ज़रूरी है। पत्र 2 की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान से है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ टोटल 15 भाषा देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया है। जिसमें आप कोई भी दोस्तों अगर भाषा लेते हैं तो उसमें आपको 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल दोस्तों आपको 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और इसमें भी दोस्तों 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो अगला जो पेपर है 3rd पेपर दोस्तों उसका चेक नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज जो है उर्दू पेपर के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या सिलेबस शामिल किया गया है इसको भी देखेंगे। आगे दोस्तों जो पत्र 3 है इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाएगा।
सामान्य ज्ञान से दोस्तों कुल 120 प्रश्न रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड से 50 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेगा और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा। यहाँ भी कहा गया है सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी दोस्तों तीनों पत्र में आपको 30% जो है अंक लाना जरूरी है। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि परीक्षा का जो स्वरूप है, परीक्षा का जो प्रकार है वो किस तरह से है, और यहाँ पर 3 पालियों में दोस्तों मुख्य परीक्षा आपको है ना देना होगा। आगे हम बात करेंगे उर्दू सिलेबस के बारे में। सब्जेक्ट उर्दू, दोस्तों उर्दू का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं 1 खंड 2 खंड और 3 खंड में बांटा हुआ है। एक है दोस्तों प्रोस, जिसे नसर कहा जाता है उर्दू में, तीसरा है पोएम, जिसे नज्म कहा जाता है, और तीसरा है दोस्तों ग्रामर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उर्दू नसर में क्या क्या सिलेबस में शामिल किया गया है। 1 नंबर में है कौमी हमदर्दी। कौमी हमदर्दी दोस्तों एक मजमून है, और इसका जो लिखने वाला है यानी जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, वो कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। इसी तरह गुजरा हुआ ज़माना, ये सर सैयद अहमद खान का एक मजमून है दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी तरह तीसरा है अच्छी किताब, इसका जो मुसन्निफ़ है यानी लिखने वाला है मौलवी अब्दुल हक है। तो ये था दोस्तों उर्दू नसर से। आगे जानेंगे उर्दू नज़्म में, तो उर्दू नज़्म से आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 नज़्म को शामिल किया गया है इस वैकेंसी में। 1 नंबर में है तराना हिंद, जिसका मुसन्निफ़ है अल्लामा इकबाल। इसी तरह ओ देश से आने वाले बता, इसका जो लिखने वाला है वो है अख्तर शेरानी। तीसरा है नगमा सेहर, जोश मलिहाबादी, इसका मुसन्निफ़ है। इसी तरह दोस्तों जो चौथी नज़्म है वो है बरखारूत और परदेश, इसका मुसन्निफ़ है अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये था दोस्तों उर्दू नज़्म से, यानी टोटल दोस्तों देखा जाए तो 4 नज़्म को शामिल किया है इसके सिलेबस में। आगे बात करेंगे ग्रामर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा खंड है वो ग्रामर का है। इसमें ऑपोजिट, जेंडर, सिंगुलर, प्लुरल और मीनिंग से सवाल पूछा जाएगा। ऑपोजिट, जिसे उर्दू में दोस्तों मुतज़ाद कहते हैं, इसी तरह जेंडर, जिसे जिन्स कहते हैं, सिंगुलर को वाहिद बोलते हैं, इसी तरह प्लुरल जो है दोस्तों उसे जमा कहते हैं, और मीनिंग जो है वो है माना, यानी किसी वर्ड का, किसी लफ्ज़ का जो मीनिंग होगा उसी को माना कहा जाता है। तो ये था JFWCE का जो उर्दू सिलेबस है दोस्तों, उसका जिसे मैंने यहाँ पर वजाहत के साथ पेश कर दिया हूँ। तो दोस्तों अब इसके लिए तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। दोस्तों तैयारी के लिए हमारे पास जो PDF अवेलेबल है नोट्स एंड कंटेंट का, वो आप ले सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी यूट्यूब में मिल जाएगा। दोस्तों हमारे पास जो PDF तैयार किया हुआ है सहायक आचार्य में, जिस किसी ने भी लिया था, चाहे वो 1 to 5 की बात करे, चाहे 6 to 8 की बात करे, दोस्तों सभी ने PDF लेकर एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सभी का नंबर बहुत ही अच्छा रहा Paper 2 का। तो आप JFWCE यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए दोस्तों आप PDF नोट्स ले सकते हैं। ये मुकम्मल PDF नोट्स बना हुआ है। लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और व्हाट्सअप इसी नंबर पर चलता है, आप मैसेज भी कर दीजिएगा तो आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को JTET के बारे में भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि JTET के लिए दोस्तों सिलेबस में चेंज हो रहा, बदलाव हो रहा है, तो उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में दोस्तों है ना जो JEE का ऑफिशियल नोटिस है वो देखने को मिलेगा, और क्या क्या इसमें
बदलाव होता है उसी के हिसाब से दोस्तों फिर हम आगे की तैयारी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।